बात करेंगे मंगलौर की, जहां पर त्योहारी सीजन शुरू होने पर राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा टैक्स चोरी कर माल की जांच के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में राज्य कर विभाग की गठित टीम ने झवरेड़ा स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 90 बोरे खैनी, पान मसाला और जर्दा बरामद किया है। जब्त किए गए माल की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपये बताई जा रही है। टीम ने माल को सीज कर विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि त्यौहार की सीजन में कुछ लोग टैक्स चोरी कर माल का व्यापार कर रहे हैं, जिस पर विभाग कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। प्रदेश की सीमा पर चेकिंग अभियान भी चलाकर टैक्स चोरी कर माल लाने वाले सामान को जब्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। ऐसा है ना, मुख्यालय राज्य कर विभाग द्वारा जो है इस समय सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री पान सिंह रुगयाल जी ने विशेष अभियान चला रखा है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में और कई गाड़ियां ट्रांसपोर्टरों की भी पकड़ी गई हैं। उसी क्रम में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि झबरेड़ा में कुछ ऐसा माल लाया जा रहा है जो बिलों से आच्छादित नहीं है, तो जिससे में टैक्स चोरी की संभावना लग रही है। तो हमारी ज्वाइंट कमिश्नर मैडम सुनीता पांडे मैडम की परमिशन से हमारे कार्तिक वर्मा साहब जो डिप्टी कमिश्नर पोस्टमेंट है, उन्होंने एक टीम गठित की। उसी टीम ने आज यहाँ पर छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग हमें 80 से 90 कट्टे लगभग खैनी, पान मसाला, जर्दा सब उसमें मिक्स आइटम है मिले हुए हैं, जिसका अनुमानित मूल्य अभी हमने उसको वैल्यूएट नहीं किया है प्रॉपर, लेकिन अनुमानित मूल्य 20 लाख के लगभग।